डॉक्टर निगहत महमूद, आज फिर हाजिर हो रही हूँ आपके सामने एक और खुशी के राज लेके। ठीक है, आज मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हर बंदे की लाइफ में कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस सारा वक्त ही साथ रहता है, तो स्ट्रेस बहुत नेगेटिव होता है। इससे हमने अपने आप को अवॉइड करना है, इसके क्या बिहेवियर पैटर्न्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगी। किस तरह कॉज होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पे बात करूँगी। मगर स्टार्ट करते हैं कि जो स्ट्रेस है ये क्यों होता है, कैसे होता है। स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, द फीलिंग्स वी क्रिएट। अगर देखिए कोई इवेंट हो रहा है, अगर आप सोचें वो अपने तौर तरीके से हो रहा है, मगर आप सोचें कि नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन तो ये होनी चाहिए कि भाई ये तो बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो आप उसी तरह उसमें स्ट्रेस ले आएंगे। अब आप इमेजिन करें कि हमारी लाइफ जो है अगर इस रबर बैंड की तरह, ठीक है, ये एक रबर बैंड, अगर हम रबर बैंड को देखिए स्ट्रेच करते चले जाएंगे तो इतना हम टॉलरेट कर रहे हैं, इतना हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रखना है कि हम इसको टॉलरेट करें। अगर हम जितना स्ट्रेच करेंगे बेहतर है, मगर अगर कहीं बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेच कर लिया तो ये टूट जाएगा, इट कैन नॉट टॉलरेट। तो आपने भी अपनी लाइफ को जो है सोचना है कि मैं किस तरह इसको लेके चलूँ, किस तरह अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखूँ, बिकॉज स्ट्रेस जो है वो बहुत नेगेटिव आपका वो होती है, लाइफ में नेगेटिविटी बहुत फैलती है। एक और स्ट्रेस होता है, उसे हम कहते हैं यू स्ट्रेस। वो यू स्ट्रेस जो है उसमें क्या है, वो बहुत पॉजिटिव है, उसमें चैलेंजेस हैं। उसमें कैसा चैलेंज है कि वो गोल ओरिएंटेड है। अगर आप जैसे रेस में हिस्सा ले रहे हैं और आपको चाहते हैं कि मैं फर्स्ट स्टैंड करूं, तो आप इतनी स्ट्रेस में चले जाते हैं, भाग रहे हैं और आपके दिल और दिमाग पे वो स्ट्रेस छा जाता है। बट इट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस, इट इज़ गोल ओरिएंटेड, इट इज़ टारगेट ओरिएंटेड। इसी तरह इम्तिहान की पढ़ाई में अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पढ़ना है, एंड आई हैव टू डू द बेस्ट, आई हैव टू गेट ए ऑनर्स, तो आप उसके लिए स्ट्रेस में पढ़ाई करेंगे तो वो टारगेट ओरिएंटेड है, वो गोल ओरिएंटेड है, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स है। अच्छा, स्ट्रेस की बहुत टाइप्स होती हैं। एक टाइप उसकी होती है, उसमें होती है फिज़िकल। फिज़िकल से मुराद है कि जो आपको हेडेक शुरू हो जाती है, ये स्ट्रेस है। कोई डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, कई लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, ये सब स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, एक होती है फिज़िकल स्ट्रेस, एक होती है इमोशनल स्ट्रेस और एक होती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो फिज़िकल होती है वो आपके साथ डिजीज़ रिलेटेड होती है, यानी कोई आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेडेक हो जाए या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाए, या किसी को हार्ट हो जाता है, या किसी की पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये सब फिज़िकल रिलेशंस हैं। फिर एक होती है इमोशनल। इमोशनल स्ट्रेस जो होती है वो रिलेशनशिप्स के साथ होती है, कि आपके आपस में बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है, बड़े बूढ़ों के साथ, घर में मियाँ बीवी के आपस में, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स यू इनटू स्ट्रेस, के सारा वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कोई पीस नहीं है, तो स्ट्रेस में जा रहे हैं आप। तीसरा स्ट्रेस है आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अच्छा भाई, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, बिजली के बिल बहुत जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सारी एनवायरमेंटल है जी, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द चेंज बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, अच्छा फिर इसके हैं कॉजेज। कॉजेज क्या हैं, दीज आर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। आपने व्हाट, व्हेन, हाउ के क्वेश्चंस अपने आप से पूछने, एंड देन यू गेट द रिजल्ट। पूछना है व्हेन डिड यू गेट दिस स्ट्रेस, ठीक है, व्हेन के साथ। फिर है कि व्हेन डिड दिस स्ट्रेस फर्स्ट स्टार्ट, कब आया ये स्ट्रेस पहले आपकी लाइफ में। फिर पूछना है हाउ डिड इट हैपन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है कि हाउ डिड इट हैपन। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गिव्स यू स्ट्रेस। क्या चीज़ है वो आपको जो स्ट्रेस देती है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये क्वेश्चन हैं चार पाँच। एंड हाउ डू यू नो कि स्ट्रेस ख़त्म हो गया, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछें तो आपको कॉज पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रेस हो क्यों रहा है। फिर इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं कि बिहेवियर से रिलेटेड है। बिहेवियर ये है कि आप सोच रहे हैं कि भाई आप सारा वक्त आपको रोना ही आता रहता है, रोते रहते हैं, या आपको फीलिंग होती है कि मैं खाना ज़्यादा शुरू कर दूँ,
फिर आपको फीलिंग होती है कि ये आप जो हैं इसमें रोते रहते हैं, ट्रेम्बल करते रहते हैं, बॉडी आपकी हिलती रहती है, ये सारे बिहेवियर्स हैं, आपकी ट्विचिंग शुरू हो जाती है, आपका चेहरा, आपका थ्रोट जो है वो हो जाता है हार्श, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है उसमें से, ये भी एक स्ट्रेस है। इस तरह बिहेवियर के साथ बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड हैं कि आप क्या करते हैं, कैसा हो जाता है बिहेवियर, कि आप मूडी हो जाते हैं, या आप हंसते ज़्यादा हैं, या आपको नींद ज़्यादा आती है या कम आती है, या खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में या कम खाते हैं, ये बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। फिर आपके हैं थॉट्स, थॉट्स का जो स्ट्रेस है वो आपका इंटरनल डायलॉग चल रहा है। इंटरनल डायलॉग क्या है कि मेरा तो सेल्फ इस्टीम ही बहुत कम है, मैं तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं हूँ, ये आपका इंटरनल थॉट है। आपकी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बच्चों में हो जाती है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, कहीं दिल नहीं लग रहा, फोकस नहीं है, आप सारा वक्त इसमें चले जाते हैं कि मेरा तो कोई कुछ नहीं हो रहा, मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझे तो अल्लाह ने बनाया है, देखो लोग क्या कह रहे हैं मेरे मुतल्लिक, अपने आप को लो फील करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सोचते नहीं कि कहाँ आपने जा रहे हैं और कहाँ आप पहुँच गए। स्ट्रेस में यू शुड बी फ्री, अपनी सोल को फ्री करें, ठीक है। तीसरा स्ट्रेस जो है वो आपका ये है इसके अंदर थॉट्स में कि नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठे, नेगेटिव थिंकिंग में मत जाएं, डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स अपने आप में, नेगेटिव थॉट्स करोगे जितना उतना एक्सपेंड करोगे उतनी प्लेट में उतने नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपने जो नेगेटिव लोगों को छोड़ना है, सेल्फ इस्टीम को अपनी राइज करना है, और कॉन्सेंट्रेशन और बैलेंस करनी है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज फीलिंग्स, व्हाट डू यू फील अबाउट स्ट्रेस, हाउ डू यू फील, वो फीलिंग्स लाएं, क्या एंग्शियस हो रहे हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, सारा वक्त सोचते रहते हैं ओहो अब स्ट्रेस ना आ जाए, उसको ले के साथ साथ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको पाल लिया है क्या आपने स्ट्रेस को अंदर अपने, तो अगर पाल लिया तो उसको इजाज़त दे दें निकलने की स्ट्रेस को, स्ट्रेस को ले के नहीं चलना, इरिटेबल नहीं होना, और फिर देखिए डर हो जाता है, डर खौफ पैदा हो जाता है आपके, यू फील स्केर्ड, तो खौफ को हटाएं अपने में से, ख़राब ख्वाब आते हैं उसमें आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको रात को डरावने ख्वाब भी आ जाते हैं, इन सब को आपने छोड़ना है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट वंस, बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ योर स्ट्रेस। अच्छा चलो अब हम चलते हैं एक ब्रेक पे, उसके बाद मैं आके कंटिन्यू करूँगी और थॉट्स एंड आपको फीलिंग्स बताऊँगी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, अभी मैं आती हूँ। अच्छा इंशाल्लाह अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम ब्रेक से वापस आ गए। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने थोड़े से और साइंस एंड सिम्टम्स आपके साथ शेयर करने हैं स्ट्रेस पे। अच्छा स्ट्रेस का ये है कि स्ट्रेस इज अ बूमरैंग, बूमरैंग उसको कहते हैं कि आप जो चीज़ छोड़ते हैं वो हमेशा वापस आपके साथ टकराती है। देखिए अगर आप नाम लेंगे ज़ोर ज़ोर से खालिद खालिद खालिद, तो खालिद की आवाज़ वापस आएगी आपके पास, इसी तरह बूमरैंग की तरह हिट करती है स्ट्रेस जो है, नेगेटिव स्ट्रेस जो है अगर आप छोड़ेंगे तो नेगेटिव वापस आएगी आपके पास, इट विल हिट यू, तो जस्ट रिलैक्स, ठीक है। दूसरे स्ट्रेस पे अब हम जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल आपके साथ जो रिलेशन है उसकी, क्या है फिजिकल फंक्शंस इसके, फिजिकल में है कि आपको नींद अच्छी नहीं आती, लैक ऑफ स्लीप, या आप ज़्यादा सोएंगे या आप बहुत कम सोएंगे, नींद आपकी गायब हो जाएगी। अच्छा देखिए अब खाने का भी एक होता है स्ट्रेस कि आप खा नहीं रहे ठीक, या आप ज़्यादा खा लेते हैं, प्लेटें भर भर के चावल खा रहे हैं, खामा का वेट पुट ऑन हो रहा है, वो भी एक स्ट्रेस है। आपने बैलेंस डाइट रखनी है, ठीक है, तो खाएं मगर एक सोच समझ के खाएं कि इज़ इट गुड फॉर मी, पूछें अपने आप से, अगर आपको अंदर से जवाब आता है हाँ जी इतना खा लो ये बहुत अच्छा है तो उतना खा लो। फिर आपका है कि स्ट्रेस जब पहले अफेक्ट करती है तो वो आपके शोल्डर्स पे अफेक्ट करती है, आपके ये जो कंधे हैं ना इसमें सवेर दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, और आपको फीलिंग होती है कि उफ़ मैं ये कहाँ लेके जाऊँ, इतनी तकलीफ़ हो रही है, सारा वक्त मैं स्ट्रेस में हूँ, हेडेक शुरू हो जाती है आपको, अल्सर्स हो जाते हैं, खामखा अल्सर्स हो जाने, वो आपके सारा वक्त आपको
मिर्चें लग रही हैं सीने में, जलन हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। भाई क्यों हम इसको लेके चलें? जो स्ट्रेस आप आ रहा है उसको एक्सेप्टेड, क्या कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट कर लें। थकावट ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस में जी जाता है, बस सोते ही जाएं, बिस्तर से ना उठें। एक ये भी है मसला इसका। एक इसमें मसला है कि ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है बॉडी में, पूरी बॉडी आपकी ऐसे ट्रेम्बल करती है, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स पैल्पिटेशन में। ये आप जा रहे हैं अस्पताल, आपने कहो मुझे वहाँ नज़र आ जाएगा वो आदमी, किसी का नज़र आ गया, कोई फौत हो गया, आपको पैल्पिटेशन शुरू हो गई। आपने पहले से ही सोच लिया वो अच्छा भला बैठा है, मगर आपने सोच लिया कि आप वहाँ जा रहे हैं, आपके साथ ऐसे होगा, तो वही रिजल्ट ओरिएंटेड ब्रेन जो है वो सुन रहा है सारी बातें, ब्रेन सुन रहा है, वो आपको कह रहा है भाई जाओ स्ट्रेस में, ये तुमने सोच लिया, अब तुमने जाना है। तो आपने सारा वक्त अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रखना है। ये स्टेट्स बहुत सारी आएंगी आपकी बॉडी के साथ रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, शुगर भी आपको ज़्यादा हो सकती है स्ट्रेस में जाके, ठीक है, इन चीज़ों का खास, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसका ख्याल रखना है, या बहुत लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या हड्डियों में आर्थराइटिस आ जाएगा, ठीक है, या पेट की बीमारियाँ आ जाएंगी, या पीठ में दर्दें शुरू हो जाएंगी फॉर नो राइम और रीज़न। स्ट्रेस को क्यों लेके चल रहे हो? स्ट्रेस को छोड़ दो, जस्ट लेट द स्ट्रेस गो, अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को हटा दीजिए। स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में है, बट फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, टॉलरेशन करें अपने स्ट्रेस को, पेशेंस लाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को कहा करें कि आई एम काम एंड आई एम कूल, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं बहुत रिलैक्स स्टेट में हूँ, तो आप उसी स्टेट में अपने आप को ले जाएं। अब मैं और भी आपसे बहुत शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को हम स्ट्रैटेजीज कहते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह कोप कर सकते हैं स्ट्रेस के साथ। ओके, वेलकम बैक नाजरीन। अब हम ब्रेक से आ गए हैं वापस। अब मैं आपको स्ट्रेटजीज बताना चाहती हूँ कि आपने उस स्ट्रेस से किस तरह कोप अप करना है लाइफ में, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ब्रीदिंग, कि आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है। हमेशा ब्रीदिंग आपने स्टमक से करनी है। अगर आप चेस्ट से ब्रीदिंग करेंगी तो वो बहुत शॉर्ट ब्रेथ्स आएंगी आपकी, ठीक है, सीने से कभी नहीं लेना, हमेशा पेट से लेना है। जब पेट से लेंगी तो पेट बाहर निकालना है ब्रीदिंग इन करते वक्त, और निकालते वक्त पेट को अंदर लेके जाना है, ठीक है। इस तरह आप रोज़ 10 ब्रेथ्स लेंगी, इस तरह आपकी स्ट्रेस जो है वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, रिलैक्स करें, अपने आप को ऐसे रिलैक्स करें कि जब आप स्ट्रेस के बीच में हो किसी वक्त, अब आप जाके किसी कोने में तो बैठ नहीं सकते, तो उस वक्त आप अपने आप को कहें कि आई एम रिलैक्स्ड, ऐसे आंखें बंद कर लें और कहें आई एम रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, खींच खींच के कहें रिलैक्स रिलैक्स, तीसरे वाले रिलैक्स को और लंबा खींचें, रिलैक्स, और आप फील करें कि आपका माइंड बॉडी एंड सोल जो है इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएगा। एक मेडिटेशन छोटी सी है, उसमें आप अपने पूरे फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करें, अपने आप को कहें मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, नरम गरम हो रहे हैं, ये रिलैक्सेशन मेरी टांगों में आ रही है, घुटनों में आ रही है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, और ये मेरी थाइज में लोअर लिम्स में जा रही है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, ये जो रिलैक्सेशन है ये मेरी स्टमक के इंटेस्टाइन्स में आ रही है, बड़ी आँत छोटी आँत में, मेरी स्प्लीन लिवर किडनीज में आ रही है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरी छाती में जा रही है, मेरी जो हार्ट है वो रिलैक्स हो रहा है, मेरे लंग्स रिलैक्स हो रहे हैं, इसी तरह मेरी पीठ के हर मोरिया रिलैक्स हो रहा है, हर पीठ का एक एक वर्टिब्रा रिलैक्स हो रहा है। फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन फील करें बाकायदा, कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और ये आपके सर में जा रहा है, आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपके माउथ जॉज टीथ एंड टंग, फिर आपकी टिप ऑफ द नोज रिलैक्स हो रही है, आपकी आईज जो हैं दे आर बिकमिंग सॉफ्ट एंड वार्म, सॉफ्ट एंड वार्म, आपका सर स्कैल्प रिलैक्स हो रहा है। ये जब आप अपने आप को कहेंगे तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। इसी स्टेट में आपने रहना है फॉर एटलीस्ट 7 to 10 minutes, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्टेट है अगर आप नमाज के बाद इसे अडॉप्ट करें, ठीक है। आपने नमाज पढ़ ली, अब आप बैठी रहें, चाहे नमाज पे दुआ भी मांग ली, उसी स्टेट में बैठी रहें, ठीक है। फ़ोन्स ऑफ होने चाहिए, मोबाइल्स ऑफ होने चाहिए,
बहुत दूर कमरे के किसी कोने में भी जाके आप अपनी नमाज पढ़ सकती हैं। उस कोने को अपने लिए बहुत अच्छा बना लें, उसमें अपने कुशन्स रखें, उसमें आप ना आराम से बैठें। अगर आप चाहती हैं कि भाई हल्का सा मैं म्यूज़िक लगा लूँ, तो आप हल्का सा एक छोटा सा टेप लगा के सेल्फ अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को सुने कि आपने टेप लगा दी अपनी ये बातें कह के भाई मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, और वो टेप ऑन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स होंगे। या अपने आप को कह लें ठीक है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, या पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज़ पे फोकस कर लें कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। फिर अपनी ब्रीदिंग हो गई आपकी, रिलैक्सेशन हो गई आपकी, मेडिटेशन हो गई, अब एक्सरसाइज की बारी है। एक्सरसाइजेस भी करनी है छोटी मोटी हल्की फुल्की, कोई ऐसी नहीं करनी कि कोई आपका मसल खिंच जाए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट के लिए। आप वॉकिंग करें, वॉक पे जाएं तो दिल में या तो सोच लें दरूद पढ़ती जाएं, नहीं तो हाथ में तस्बीह का एक दाना पढ़ लें, अल्लाह अल्लाह करती जाएं। नहीं करना तो आप सिर्फ नेचर को अप्रिसिएट करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कितने खूबसूरत आसमान के नीचे मैं चल रही हूँ, और कितने बादल हैं, और कितनी यहाँ पे हरे भरे दरख्त हैं, इस पे फोकस करें ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस पे फोकस करें। चौथी बात है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस दें अपने आप को। आप कहें आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम काम, आई एम कूल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये बातें अपने आप को कहें, ये एफर्मेशंस हैं। जब आप ये आप कहेंगे अपने आप को या कहेंगे तो यू विल फील द डेफिनेट चेंज इन योर सेल्फ। अच्छा, दूसरों को माफ़ कर दें, अपने आप को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें। फिर आप कोई हॉबी ले लें लाइफ की, हॉबी इस तरह ले लें कि आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आप पेंटिंग किया करें, टाइम थोड़ा सा निकाल के पेंटिंग कर लें। कई लोगों को कुकिंग का शौक़ होता है, वो जाके खाना वाना पका लें, कोई स्पेशल चीज़ रोज़ एक स्पेशल चीज़ बना लें आप। या आप अपनी जर्नल लिखें, डायरी लिखें, उसमें लिखें कि आज का दिन आपके लिए कैसा गुजरा और कल का दिन कैसे आ रहा है। अगर कहीं स्ट्रेस है किसी रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ, सास बहू में, तो आप उसकी ग्रेशियस ग्रेटफुल क्वालिटीज़ लिखें कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये बंदा कैसा है। उसकी 5 अच्छी क्वालिटीज़ लिखें। अगर सास हैं तो 5 लिखें कि भाई देखो घर से जाते हैं तो बच्चे तो सास दादा दादी संभाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कितना सुकून है, हम इकट्ठे मिलके रहते हैं, उसमें बरकत कितनी है यूनिटी में। इस तरह अच्छी अच्छी बातें आप 5 लिखिए ग्रेटफुलनेस की, ठीक है। अपना कोई हॉबी इख्तियार करें, कोई आपको और चीज़ का शौक़ है मुशायरे में जाने का, मुशायरा सुने। अगर आपको इबादत का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो नफल इबादत में ज़्यादा पढ़ लें। कोने में बैठ के अपना एक छोटा सा गार्डन में चले जाएं, गार्डन में चले जाएं, वहाँ आप 5 पत्थर लें, राउंडेड पत्थर होने चाहिए, वो तिनकोने नहीं होने निकले चाहिए, राउंड पत्थर होने चाहिए। वो आपने एक सीधा खड़ा किया, उसके साथ 4 लिटा दिया उसके इर्द गिर्द, और उसके इर्द गिर्द आपने सैंड या ग्रेवल डाल दी। ग्रेवल होती है ये कुटी हुई मट्टी होती है गुलाबी रंग की, वो आप डाल के और ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर बनाए उसमें, तो आपको लगेगा जैसे यहाँ पानी है। अगर पानी नहीं है आपके करीब तो आप पानी ऐसे गोल गोल चक्कर रेत में बनाएंगे तो वो गोल गोल रिपल्स बनेंगे, उन्हें रिपल्स कहते हैं, उससे आप रिलैक्स करेंगे। सी एज इफ वाटर इज़ नियर यू, प्लांट्स आर नियर यू, ये बहुत रिलैक्सेशन है। तो हमेशा रिलैक्स स्टेट में रहें, खुश रहें और स्माइल बहुत करें। स्माइल बहुत करना है आपने, हमेशा स्माइल देनी है क्योंकि हमेशा स्माइल वापस मिलती है, ठीक है। हंसें ज़्यादा, ह्यूमरस रहें, हॉबीज़ में जाएँ, पेंटिंग करें, राइटिंग करें, जर्नल लिखें अपनी, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं, वॉक्स पे चली जाएं, मेडिटेशन करें, ये सब अच्छी बातें हैं। और पॉजिटिव अपने आप को कहा करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ लाइफ में जो चेंजेस आ रही हैं मेरे। देखिए जब बड़े होते हैं तो बहुत चेंजेस आएंगी लाइफ में, ठीक है। आपको अपने आप को बड़ा इनकसारी पैदा करनी है, अपने अंदर आजजी पैदा करनी है, ठीक है। छोटे तो आप बड़े होंगे और फिर जब वो आपको स्टेट में देखेंगे तो खुशी से खुशी पकड़ता है बंदा। अगर आप खुश हैं तो वो आपकी खुशी एकदम मैग्नेटिक की तरह उसको खींच के लाएगी आपकी तरफ। तो अपने बीच में और अपने बच्चों के बीच में एक खुशी का माहौल रखें, पीस का माहौल रखें। घर में बच्चे आएँ तो उनको लगे कितना सुकून है घर में। ख़ुद को भी आप कह सकते हैं लेटते वक्त, उठते बैठते वक्त कि मुझे बहुत सुकून है,
जब आपका दिमाग सुकून का लफ्ज़ सुनेगा जो आप खींच के बोलेंगे, जैसे मैंने बताया था रिलैक्स बोलेंगे, इसी तरह आप 3 दफ़ा कह सकते हैं सुकून सुकून सुकून, और वो फीलिंग आएगी आप में ऑटोमेटिकली। आपको लगेगा आपका दिमाग सुकून से भर गया है, जिस्म आपकी रूह भर गई है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप शीशे में जाएं, वहाँ खड़े होके और अपने आप को स्माइल करें, सिर्फ अपनी आँखों में देखें, ठीक है, आँखों में देख के स्माइल करें और कहें, अपना नाम लें, जैसे मेरा नाम निघत है तो मैं कहूँगी निघत तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ आँखों में देखना है, क्योंकि वो जो आँखें हैं ना उसमें से हमारी रूह हमें देख रही है, वो हमारी सेल्फ़ इस्टीम की एक्सरसाइज है। तो आपने सेल्फ़ इस्टीम राइज करने के लिए अपना ये करना है कि आपने शीशे में देखना है, अगर आपका नाम मसूद है या अख्तर है तो आपने देखना है शीशे में, स्माइल करना है, सिर्फ आँखों में स्माइल करना है और कहना है मसूद मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ तुम जैसे भी हो, 5 दफ़ा कहना है। जब आप ये कहेंगे तो आप फील करेंगे एक एनर्जाइज हो गए आप, यू विल फील सुपर एब्सोल्युटली एक्सेलेंट, दिस इज़ द वे टू टेक योर लाइफ, स्ट्रेस से हटाना है, अपने आप को सुकून सर्विस में रखना है। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छा, चलती हूँ फिर, अब मैं खुदा हाफिज़ कहती हूँ आपको, डॉक्टर निघत को इजाज़त दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम में खुशी के राज में आपसे दोबारा मिलूँगी। अल्लाह।